ध्यान से गौर कीजिएगा। एक गंगाधर सेठ था, ठीक है, और उसका एक गार्ड था, ठीक है, उसका नाम था मोहन। एक रात क्या होता है, उसका जो गार्ड है मोहन, वो सपने में देखता है कि उसके जो सेठ है गंगाधर, वो फ्लाइट से जा रहे हैं, और तभी वो फ्लाइट क्या होती है, क्रैश कर जाती है, और तभी गंगाधर का डेथ करता है, वहीं पर वो मर जाते हैं। तो ये बात मोहन सारी बातें अपने सेठ को बताता है। सेठ क्या करते हैं, अगले दिन उनका फ्लाइट कैंसिल कर देते हैं और वो ट्रेन से चले जाते हैं। जब वो ट्रेन से वापस पहुंच जाते हैं वहां पे, ठीक है, आप पहुंचते हैं अपने घर, जमको जिस मतलब जहां डेस्टिनेशन था, जहां उनको जाना था, तब उनको पता चलता है कि फ्लाइट तो क्रैश की ही नहीं, मतलब कि वो उनके गार्ड का केवल सपना था। ध्यान से सुनिएगा, फिर से रिपीट करता हूँ। एक गंगाधर सेठ था, उसका एक गार्ड है, उसका नाम मोहन है। एक रात मोहन को सपना आता है, वो सपने में देखता है कि उसके सेठ का मृत्यु हो जाती है क्योंकि वो फ्लाइट से जाते हैं। तो ये बात अपने वो सेठ को बताता है। सेठ नेक्स्ट दिन क्या करते हैं कि वो फ्लाइट से ना जा करके ट्रेन से चले जाते हैं जहाँ उनको जाना होता है। जब अगले दिन वो अपने पहुंच जाते हैं जहां उनको जाना होता है, तब उनको पता चलता है कि नहीं, फ्लाइट तो क्रैश हुई ही नहीं। लेकिन इस दौरान वो क्या करते हैं कि उस नौकर का, जो उनका गार्ड था, उसका नौकरी छीन लेते हैं। तो आपको बताना ये है कि सेठ गंगाधर ने मोहन गार्ड की नौकरी क्यों छीन लेते हैं। फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक गंगाधर सेठ था, उसका एक गार्ड था जिसका नाम मोहन है। एक रात मोहन को सपना आता है और सपने में देखता है कि उसके सेठ का डेथ हो जाता है, यानी कि वो मर जाते हैं क्योंकि वो फ्लाइट से जा रहे हैं और वो फ्लाइट क्रैश कर जाती है। तो बात अपने मालिक को बताता है, गंगाधर को। जब गंगाधर ये बात सुनते हैं तो डर जाते हैं कि उसके सपने में ऐसे बात आई है, तो क्या पता कहीं रियल में डेथ हो जाए मेरी। तो वो ट्रेन से चले जाते हैं अपना फ्लाइट कैंसिल करके। जब वो नेक्स्ट डे पहुंचते हैं तो पता चलता है कि नहीं, ऐसा तो मतलब कि वो प्लेन क्रैश करती ही नहीं है। लेकिन तभी जब वो पहुंचते हैं, फिर वो अपने गार्ड की नौकरी, गार्ड को नौकरी से बाहर निकाल देते हैं। तो आपको बताना ये है कि सेठ गंगाधर अपने गार्ड मोहन को नौकरी से क्यों निकाल देते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे। सो ये प्राइज है, देखते हैं कितने लोग इसका जवाब देते हैं। सो थैंक यू जो भी इतने देर जुड़े रहे हमारे साथ। थैंक्स प्रमोद, थैंक्स विकास इतने देर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और थैंक्स सुपर्णा, थैंक यू वेरी मच। ओके, टाटा। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, भूलिएगा नहीं, और इस लिंक को शेयर कर दीजिए ग्रुप में ताकि सब तक पहुंच सके। जो भी स्कॉलरशिप सिलेक्ट में बताने वाला था बता नहीं पाया क्योंकि लोग लाइव नहीं आ पाए, लेकिन कॉमेंट कीजिए तो नेक्स्ट लाइव में या नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। और ये क्वेश्चन भी देख लीजिएगा ताकि आपको प्राइज भी मिल सके। ओके, टाटा, थैंक यू।